morning students, how's you all? I hope you all will be fine. Today we will read chapter 4 from Honeycomb, class 7, the essence that made trees bloom. Okay, so in this chapter, this is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. इस कहानी इसकी क्या है, स्टोरी है एक ऑनेस्ट मैन यानी एक ईमानदार इंसान की, और जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही मेहनत करने वाले ओल्ड कपल हैं, दो बुज़ुर्ग हैं और उनके साथ उनका एक डॉग है. द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. अचानक से क्या होता है कि उनके जो पड़ोसी हैं, नेबर्स जो हैं, वो उनको परेशान करते हैं और उनका पेट डॉग था उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका डेथ हो जाता है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोल्स एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. और इसमें आगे क्या होता है कि जो डॉग की आत्मा होती है, स्पिरिट होती है, वो जो है आती है और उनको अनएक्सपेक्टेड, मतलब बिना जिसका आप विश्वास भी नहीं कर सकते हो, वो रास्ता उनको बताती है कि कैसे कि आपको क्या करना है. तो थोड़ा सा इसमें स्पिरिट की भी बात कही गई है. ठीक है, तो देखते हैं ये चैप्टर में है क्या. लेट्स स्टार्ट. इन द ओल्ड डेज ऑफ द डायमोस डियरली एंड ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग. इन द गुड ओल्ड डेज, पुराने समय की बात है. डायमोस किसको कहते हैं, 19th century में जापान के जो वेल्दी पर्सन्स होते थे, यानी कि जमींदार लोग जो होते थे, उनको डायमोस बोलते हैं. ठीक है, वो रहते थे. लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज लिटिल डॉग. उनके साथ वहीं पे दो ओल्ड कपल रहते थे, बुज़ुर्ग दो पेयर रहते थे, और उनके साथ एक लिटिल डॉग रहता था ना, छोटा सा कुत्ता रहता था. Having no children, they loved it as though it were a baby. उनके पास, क्योंकि उन बुज़ुर्ग के पास कोई भी बच्चा नहीं था, तो उनके साथ ये एक बेबी की तरह, एक बच्चे की तरह ये इस पेट को रखते थे अपने साथ. The old dam made it is a cushion of blue crab and at meal time Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. ये कुशन जैसे बनाया जाता है ना, तो ब्लू कलर का उसके लिए बच्चों को जैसे रखा जाता है, तो ब्लू कलर का कुशन उनके लिए बनाया गया था. उसके खाने के लिए जो है वो लोग पूरी तैयारी से रखते थे, जैसे एक बच्चे को, छोटे बच्चों को खिलाया जाता है उस पर बिठा करके, और उसका नाम मूको उन्होंने रखा हुआ था. और वो आराम से जाके बैठ जाता था जैसे कि कोई बिल्ली बैठती है अच्छे से. The kind people fed and pet with tit bites of fish from their own chopstick and all the boiled rice it wanted. और जैसे कि उसको फ़िश बहुत पसंद था, बॉयल फ़िश वो खाता था जो डॉग था उनका, तो उसको जो है अपनी चॉपस्टिक, मीन्स कि जिससे खाते हैं, खुद खाते थे वो लोग, उसी चॉपस्टिक से वो उसको खिलाते थे क्या, मछली की, बॉयल मछली और राइस. ठीक है. Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. और बहुत ही ज़्यादा वो उसको हृदय से प्यार करते थे, कि वो क्रिएचर जो है जैसे लगता था कि उनका बच्चा है. ठीक है, सोल मीन्स होता है हृदय, तो वो पूरे आत्मा से, मन से उसको प्यार करते थे. द ओल्ड मैन बींग अ राइस फार्मर वेंट डेली विथ अ हो आर स्प्रेड इन टू द फील्ड्स वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अल्टिल ओ टेंटो सैम. देन ओल्ड मैन जो थे वो एक फार्मर था, मीन्स कि किसान था. ठीक है, और वो डेली जाते थे अपना हो आर स्पेड, मीन्स कुल्हाड़ी लेकर के फील्ड में, खेतों में जाते थे. वर्किंग हार्ड, बहुत मेहनत करते थे सुबह से रात शाम तक, जब तक शाम नहीं हो जाती थी तब तक. हाँ, एज द सन इज कॉल्ड ए हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक कि सूर्य भगवान जैसे सूरज छुप नहीं जाता था पहाड़ियों के पीछे, यानी शाम जब तक नहीं हो जाता था तब तक वो काम करते रहते थे. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस
प्रतिदिन जो है वो डॉग जो था उनका, वो उसको उनको फॉलो करता था, मीन्स उनको अपना पिता समझता था, ये इनको अपना बेटा समझते थे। तो उनके साथ जो है जाता था खेतों पे और उनके साथ परमानेंट वहीं खड़ा रहता था। हार्मिंग द वाइट हिरोन दैट वॉक्ड इन द फूट्स ओप्स फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स। और वो क्या करता था, जाके गड्ढे खोल अपने फुट स्टेप्स से, अपने पंजों से क्या करता था वो गड्ढे खोद के और उनको जो है उसमें से वॉर्म्स निकाल के उसको खा जाता था। ठीक है, वो सोचते फॉर द ओल्ड मैन फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरी थिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न अप अ सॉर्ड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और वो क्या करते थे, वो जैसे अगर जाते थे खेतों पे तो वहाँ पे पक्षियों को भी वो बुला करके खाना देते थे। वो इतने ज़्यादा काइंड थे जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति, तो वो अपना अपने हाथ से उन पक्षियों को दाना खिलाते थे। ठीक है, वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। एक दिन क्या हुआ कि वो डॉग जो है दौड़ते हुए उनके पास आया और अपने पंजों से उनको खींच रहा है, जैसे वो कह रहा है कि कहीं चलने के लिए। ठीक है, और कुछ वो दिखाना चाह रहा था उनको। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट डो हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। वो सोचे कि ये खेल रहा है, जो बुज़ुर्ग आदमी थे वो सोच रहे थे कि ये तो ऐसे करता है तो हो सकता है ये मेरे साथ खेल रहा है, तो वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। बट द डॉग केप्ट ऑन मीनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन वो लगातार जब ऐसा करने लगा तो उनको थोड़ी सी शंका हुई। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू प्लेस वेयर द एनिमल्स बिगन अ लीवली स्क्रैचिंग थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन ऑफ बिट ऑफ फिश। अब वो सोच रहे हैं कि ये क्या कर दिखाना चाह रहा है, तो वो फिर उसको ले कर जब वो जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कुछ हो सकता है ये दिखाना चाह रहा हो कि यहाँ पे जो है फिश पड़ी हुई है या कुछ चीज़ें उसको दिख गई होगी, तो खोद के वो कुछ दिखा के निकालना चाह रहा है। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। फिर उसी जगह पर दिखा रहा है और उसको अपने फोर स्टेप से पंजों से खरोच रहा है। तो फिर वो जाते हैं उसी जगह पे कुल्हाड़ी से उसको खोदते हैं। व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। अरे वो जैसे ही वो खोल उसको कुल्हाड़ी से मिट्टी को खोदते हैं तो उनको क्या मिलता है, ढेर सारा सोना दिखाई देता है उनको। ठीक है, देन वेट अ मिनट, दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वेयर वर मेड रिच। अब थोड़े ही घर, मतलब कहते हैं ना कि एक ही घंटों में वो जो ओल्ड कपल थे वो क्या हो गए थे, वो अमीर बन गए थे। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड मेड फीस फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। और वो फिर जाते हैं वहाँ पे अपने लिए एक अच्छी सी जब मतलब घर बनाने के लिए एक ज़मीन खरीद लेते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी वो जैसे होता है ना कि बुला के उनको डिनर कराना, और पुअर्स नेबर जो भी थे उनके गरीब लोग थे उनको उन्होंने मदद की है पैसे से। एज़ फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस। और जैसे वो उसे प्यार करते थे डॉग को, उसी तरह से वो सबके प्रति थे। ऐसा नहीं था कि केवल वो अपनों को ही प्यार देते थे, वो हर गरीब और जो भी तकलीफ़ में होते थे, जो भी पर्सन तकलीफ़ में होते थे, वो बुज़ुर्ग जो थे, वो पेयर जो थे ओल्ड पेयर, वो वैसे ही सबको प्यार करते थे। ठीक है, नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। उसी गांव में एक चतुर, विकेट मीन्स क्या होता है, चालाक, दो बूढ़े ऐसे ही थे, वो हस्बैंड एंड वाइफ दो बुजुर्ग इंसान और भी थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, उनके पास सेंस मतलब काइंड भी नहीं थे, वो दयालुता भी नहीं थी, हृदय भी नहीं था उनके पास कि वो किसी की मदद करते। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स व्हेनेवर एनी पास देयर हाउस।
और वो उनकी आदत ऐसी थी कि वो अगर कोई भी डॉग उनके घर के बगल से निकल जाता था तो स्कॉल करते थे, यानी धिक्कार देते थे, भगा देते थे अपने घर के पास से। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, दे कॉक्स द डॉग इन टू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। अब क्या होता है कि जैसे उन्होंने सुना कि उनके बगल वाले हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनको डॉग की वजह से उनको इतना सोना पैसा मिल गया, वो अमीर हो गए, रिच हो गए, तो वो बहुत चालाकी के साथ फिर उनके सोचते हैं कि ये खजाना हमें भी चाहिए ना, हम कैसे ये खजाना पा सकते हैं। ट्रेजर मीन्स क्या होता है, खजाना ना, तो अब ये सोच रहे हैं कि हमें भी किसी तरीके से ये खजाना पाना है। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव, और वो जैसे ही आता था उनके पास तो उसको बिट ऑफ फिश फेंक देते थे, बाइट्स ऑफ फिश का देते थे, छोटी सी टुकड़ी जो मछली, क्योंकि उसको पसंद थी, उन्हें पता था कि वो बॉयल फिश खाता है, तो उसको जब देते थे तो वो वहाँ से तुरंत भाग जाता था। क्यों? क्योंकि वो भी डरता था इन क्रूअल पेयर से, यानी जो निर्दयी ये पेयर थे, बुज़ुर्ग जो थे, वाइफ एंड हस्बैंड, बोथ आर बहुत गंदे थे और निर्दयी थे, पशुओं को और जानवरों पक्षियों को या किसी इंसान को भी वो बिल्कुल महत्व इम्पोर्टेंस नहीं देते थे और सबको जो है भगा देते थे। तो उसको ये पता था कि ये ऐसा कर रहे हैं तो इनके इनके अंदर कोई ज़रूर बात है, तो वो जाते ही नहीं थे, वो जाता ही नहीं था डॉग, और वहाँ से मूव कर जाता था। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। एक और फिर क्या हुआ, एक दिन जो है वो उन्होंने भी सोचा कि चलो हम भी चलते हैं और खुदाई करते हैं, देखते हैं कि हमें भी शायद कुछ मिल जाए, कुल्हाड़ी लेके वो भी चल देते हैं। नो सूनर हैड द डॉग गॉट अ नियर पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड। फिर वो डॉग को लेते हैं अपने साथ में, पकड़ के उसको ले जाते हैं कि किस जगह पे वो गया था, तो उस जगह की हम भी खुदाई करेंगे। वो जाता है, जब वहाँ खुदाई करता है वो भी फिर एज इट इज़ करने लगता है, वो भी अपने पंजों से जो है मिट्टी को, पा से जो है अपनी मिट्टी को वहाँ के हटाने लगता है, एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। और उसके पीछे जैसे ही वो लोग सोचते हैं कि अब तो यहाँ पे हमें खजाना मिलेगा ना, तो वो वहाँ पे खोदना शुरू करते हैं। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, अपनी वाइफ से कहता है जल्दी से मुझे कुल्हाड़ी मेरे हाथ में दो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय। और वो दोनों जो है खुशी से नाचने लगते हैं कि अरे डॉग ने हमें भी बताया है तो ज़रूर इसके इस मिट्टी के नीचे कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा ही। देन द कोर्टियस ओल्ड फेलो विथ अ स्पेड एंड ओल्ड क्रोन विथ अ हो बिगेन टू डिग। अब जो है वो लालची जो कपल थे वो शुरू कर दिया उन्होंने खोदना, खोदते खोदते काफ़ी टाइम हो गया, हो से डिग किया, बड़ा सा गड्ढा हो गया, बट दे आर नथिंग बट अ डेड किटन। अब इतना करने के बाद गड्ढा इतना खोद लिया उन्होंने और उनको क्या मिलता है, एक मरी हुई बिल्ली, द स्मेल ऑफ द ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। अब जल्दी से वो क्या करते हैं, जो हाथ में कुल्हाड़ी होती है उसको बगल में फेंक देते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा महक स्मेल आ रही थी वो डेड किटन की कि ये जो है बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे, एंड शट देयर नोज, अपने अपना नाक जो है उन्होंने क्लोज कर लिया, बंद कर लिया। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old man finished the work by nearly chopping off his head with the saab ko. लेकिन सबसे गंदी बात क्या थी, इन्होंने क्रोधित होकर वो दोनों बुज़ुर्गों ने उस डॉग को इतना मारा कि जब तक वो मर नहीं गया, और उन्होंने जो है उसको मारने के बाद चॉपिंग कर दिया अपनी कुल्हाड़ी से, यानी उसके सर के टुकड़े कर दिए अपनी उस कुल्हाड़ी से। Then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. अब उन्होंने क्या किया कि उस डेड बॉडी को मिट्टी के अंदर अर्थ में हिप कर दिया, ढक दिया पूरी तरीके से, एक होल बनाया और उसी में उसको फेंक के दबा दिया। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as he
इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड. अब जो ऑनर थे यानी जिनका वो पेट था, जिसने पाला था उस डॉग को, वो दोनों बुजुर्ग जो है जब डेथ की समाचार उनको मिलता है, न्यूज़ मिलता है, तो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं उसके लिए. और जैसे कि लग रहा था कि उनका अपना बच्चा ही डेथ कर गया हो. वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, जाते हैं जहाँ पे उसको दफना दिया गया था उस डॉग को, वहीं पे जाके बहुत वो रोते हैं. देन ही सेट अप सम बैम्बो ट्यूब्स इन द ग्राउंड. और वो क्या करते हैं, जहाँ पे उसको दफनाया गया है उसको चारों तरफ से बांस के घेरे बना देते हैं, उस पर ना गाड़ के, जैसे नहीं होता चारों तरफ एक फेंस की तरह दीवार बना देते हैं बांस के घेरे से. सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स, इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स. और जो है डेली जो है उसके टॉम पे, यानी जहाँ वो दफन किया गया है कब्र पे, उस पर जाके फ्रेश फ्लावर्स, ताजे फूल जाके रोज रखते थे. देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, एक कप का मतलब एक कप में पानी भर के उसके लिए रखते थे. एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बॉन्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस. और जो है उस पर खाना रखते थे उसकी कब्र के पास, और कॉस्टली जैसे अगरबत्ती व धूपबत्ती होती है ना, ऐसे ही कुछ इंसेंस महक खुशबू वाले जला के वहाँ पे रख देते थे. ही मॉन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट कॉलिंग हिम मेनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव. और वो इतनी तेज़ तेज से रोते थे और कई तरीके का नाम उसको, जो जो नाम उसका रखे थे उस नामों से उसको चिल्लाते हैं कि तुम कहाँ चले गए ना. तुम जैसे नहीं होता है कोई अपनों को खोता है तो किस तरीके से बिहेव करता है, जस्ट लाइक वो इसी तरह से उसको याद कर रहे थे. दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड हिम इन अ ड्रीम एंड सेड कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फॉर इट मॉर्टर फॉर्म योर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन सॉस. और फिर उसी रात में अचानक से जो है डॉग की आत्मा जो है अपीयर्ड होती है, प्रकट होती है, उनके सपने में आता है उसकी आत्मा और बोलते हैं कि जाइए और मैं जो पाइन ट्री है उसको मेरे कब्र के पास उसको काटिए और वहाँ से आपको कुछ मिलेगा, आप उसको लेके राइस पेस्ट्री मिल में सॉस बना लीजिएगा. राइस पेस्ट्री मतलब उसी का मिल बनाइएगा, यानी जहाँ कूटते हैं कोई चीज़ उसी लकड़ी का मिल बनाइएगा, उसमें सॉस बनाइएगा. तो नेक्स्ट, सो द ओल्ड मैन chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. फिर क्या होता है कि वो जो बुज़ुर्ग आदमी होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, वो जाते हैं ट्री को आधा काट देते हैं, middle of the trunk a section about 2 feet long, 2 feet का छोड़ देते हैं उसमें. With great labor partly by fire partly by the chisel he scraped out a hollow place as big as a small bowl. और उसको काट करके और बीच का जो पोर्शन होता है, जैसे कि एक बाउल बनता है ना, तो ट्री का वही सेक्शन ऊपर का काट करके और अंदर का पार्ट जो है खोखला करके एक बाउल की तरह उसको शेप दे देते हैं. जैसे आप ओखली देखते हो ना, तो जस्ट लाइक ओखली बना देते हैं उसको. फिर ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर और अ फुट. और फिर उसके बाद एक लकड़ी का ही एक हथौड़ा टाइप का बना लेते हैं, ठीक है, हैंडल. सच एज इज यूज फॉर पोंडिंग राइस व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री. अब जैसे नया साल आता है तो लोग कुछ नई चीज़ें बनाते हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसी में जो है राइस पेस्ट्री बनाएंगे, ठीक है. व्हेन द राइस वाज ऑल बॉयल्ड ग्रैनी पुट इट इनटू द मॉर्टर. अब इसको लेकर के बॉयल करने के बाद उसको जो है उसका माड़ बनाती हैं और उसको उसी पेस्ट जो बाउल होता है मील होता है उसमें डाल देती हैं. द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पॉन द मास द डव एंड द ब्लोज फील हैप्पी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग. सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू हिप ऑफ कोल्ड कॉइंस. अब जैसे ही वो डाल के उसको हथौड़े से हैमर से मतलब और पीसने की कोशिश करते हैं, वैसे ही क्या होता है कि वहाँ पर ढेर सारे गोल्ड के क्वाइंस निकलने लगते हैं. मीन्स वो जो चावल था, वो राइस पेस्ट्री जो थी, वो किस में टर्न हो जाती है, गोल्ड क्वाइंस में, ठीक है. ढेर सारा जो है उसमें गोल्ड क्वाइंस दिखने लगता है.
Then, when the old woman took the handmill and filling it with beans began to grind the gold dropped like rain. अब जैसे ही वो उसको handmill में डाल के फिर करने लगती है तो फिर से वो निकल निकल के बाहर आने लगता है ढेर सारा ड्रॉप, जैसे लग रहा है कि उसकी बारिश हो रही है ना, ड्रॉप लाइक रेन, ऐसा वो गोल्ड निकल रहा है जैसे कि बारिश हो रही है. मीनवाइल द इनवेयर्स नेबर पीड इन एट द विंडो व्हेन द बॉयल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड. अब जो है जो जलने वाले लोग हैं, पड़ोसी हैं, वो झांक रहे हैं खिड़कियों से कि इनका जो बीन है वो क्या हो रहा है इनके साथ, मतलब ये कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, जादू कैसे हो रहा है इनके साथ. हुडी मी cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. अरे वो सब आपस में कह रहे हैं, अरे देखो बाप, चिल्लाने लगते हैं दोनों की, ये देखो ये ड्रिप जो है सॉस का ये कैसे येलो गोल्ड होता जा रहा है. ये अनटिल इन अ फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड. और जैसे फिर सारा वो जब निकालते हैं तो वो पूरा जो उनका बकेट होता है, टब होता है, वो पूरा भर जाता है किससे, गोल्ड से, शाइनिंग करने लगता है, चमकने लगता है वो. ठीक है. सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन. फिर जैसे जब डॉग था तब एक बार वो उनको खजाना मिला था, उसके बाद उसके मरने के बाद भी इनको ढेर सारा खजाना मिल जाता है, तो ये फिर से अगेन जो है क्या हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं. द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर केम एंड बारोक द मोटर एंड मैजिक व्हील. अब देखो ये जो दुष्ट आत्मा यानी जो बुज़ुर्ग थे, जो क्रूएल पेयर थे, ओल्ड पेयर थे, वो उनके पड़ोसी फिर जाते हैं उनके पास और चालाकी से कहते हैं कि मुझे वही चक्की, जो चक्की तुमसे तुमने जिसमें पीसा है वो मुझे चाहिए, मुझे मुझे दे दीजिए, मुझे भी काम है. दे फिल्ड वन विद बॉयल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स. अब दोनों जो है राइस और बीन्स सब डालते हैं उसमें. देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पॉन्ड एंड वुमेन टू ग्राइंड. जैसे ही वो उसको हैमर से पीट के मारना चाहते हैं, चक्की मतलब पीसना चाहते हैं, बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न हिज द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इंटू अ टोल मास ऑफ वॉर्म्स फोल मास सॉरी फोल मास ऑफ वॉर्म्स. और वो क्या होता है, जैसे ही वो उसको पीसने की कोशिश करते हैं तो वो किस में टर्न होता है, उनका तो बीन्स और राइस जो था वो टर्न हो गया था गोल्ड कॉइन्स में, और इनका फुल ऑफ वॉर्म्स यानी कीड़ों में ये चेंज हो गया सारा. ठीक है. स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड. अब वो इतने ज़्यादा गुस्से में हो गए कि उन्होंने क्या किया, उस मिल का भी हैमर और मिल दोनों को, चक्की को, दोनों चीज़ों को उन्होंने काट के और जला दिया. ठीक है, आग में डाल दिया उसको. देन नेक्स्ट जो है इसकी वीडियो एक्सरसाइज सेकेंड पार्ट में दूसरे वीडियो में सेंड करती हूँ. ओके, सो गुड डे.